तो दोनों टेबलेट गाड़ी में चढ़ चुकी है, तो अभी लगभग 12 बज चुके हैं और मैं प्योर गांव तो जा रहे बैडमिंटन खेलने। चलो तो अभी सोफिया को यहाँ बांध दिया, यहाँ पे बैठते हमारे को देखेगी, यहाँ अगर नहीं देखा तो फिर ये बहुत चिल्लाएगी। चलो हवा बज रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है गांधो ने, मतलब उस दिन ऐसे ही मेरा इंटरव्यू ले रही थी तो कुछ ऐसे सवाल पूछा कि आपको ऐसी चीज कौन सी है जो मतलब करने में बोरिंग लगती है, तो बैडमिंटन खेलते वक्त हवा आती है वो। ये दोनों खेल रहे, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अब मेरी बारी, मैं खेल रहा हूँ। तभी पियो की तभी ठीक नहीं है, तो मैं होटल से खाना पैक करा के ला रहा हूँ। ना लो तब तक आप, ठीक है? ये देखो सुबह पूरी गंदी हो गई है, तो आप रेडी रहो, मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल आइए। और काजू खा के जाने, काजू। अरे काजू बादाम तो खूब पड़े, खाओ तो खाने के लिए तो बनाया था। ये हाल है जैसलमेर के, पानी देखो बड़ी मुश्किल से चलना पड़ रहा है। ये खाना खा लो, खाना ठीक है। चप्पल क्यों पहन के नहीं आई? प्यू डू लेगो खेल रही, डू लेगो, क्या नाम डू लेगो है ना इसका? वो दोनों लड़ रहे हैं और छोपिया छुड़ा रही, देखो पैन के ऊपर लड़ रहे, देखो छोपिया छुड़ाने जा रही, देखो छोपिया बोली लड़ाई मत करो। छोपिया बोली लड़ाई मत करो, देखो छोपिया सॉरी गांधो मारी, देखो छुड़ाने की कोशिश कर रही है। सोफिया गांधो को इसलिए काट रही क्योंकि वो पीयू के मार रही ना, इसलिए गांधो ने सॉरी बोल दिया है। पीयू थैंक्स बोल रही है सोफिया को की छुड़ाने के लिए। थैंक यू। तो अभी मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, पीयू मेरे लिए सलाद काट के लाई, फिर से टमाटर काट के लाई, थैंक यू। चम्मच कहाँ है मेरा चम्मच? तो अभी पीयू स्नान करने जा रही है और गांधो तेल लगा रही है पीयू के। कुछ टाइम के लिए इनकी अच्छी बनती है और थोड़े टाइम में इनकी बिगड़ जाती है बस। अभी गांधो का सर दर्द कर रहा था तो पीयू ने सर दबाया था इसका, ठीक है? तो गांधो क्या बोल रही है पीयू को कि तेरे सर दबाने से मेरा और सर दर्द होने लग गया है, तेजी से सर दर्द होने लगे। अब देखो गांधो बोल रही है कि इसने गलत दबाया, उल्टा दबाया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी ईश्वर का फोन आया था कि लगभग हमें 15-20 मिनट लगेंगे आने में, हम थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सारा सामान पैक हो चुका है और जाने में, यहाँ जैसलमेर से बाड़मेर जाने में लगभग 3-4 घंटे लगेंगे। पीयू रेडी हो चुकी है और गांधो रेडी हो चुकी है और सारा सामान रेडी कर दिया है, थोड़ी देर में हम रवाना, मतलब यहाँ से जाने वाले। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो ये वाली टेबल है, ऐसी मैंने एक और टेबल ली है, तो उसको पहले लेके आएंगे, उसके बाद में इसको भी डालेंगे। अभी ये टेबल है, ऐसी एक नई टेबल ली है और ये वाली कुर्सी। आपको कैसा लग रहा है वहाँ जाने के लिए? अच्छा लग रहा है, कुछ मतलब नई प्लानिंग है और उसके हिसाब से हम चलेंगे, और कुछ नया करने की प्लानिंग है तो हम उसके हिसाब से टाइम टेबल बना रहे हैं, उसके हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने की प्लानिंग है, तो उसी हिसाब से मैं और गांधो पीयू हम शिफ्ट हो रहे हैं बाड़मेर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ तो हमारा आना जाना वैसे ही रहेगा क्योंकि गांधो और पीयू कॉलेज यहीं से कर रहे हैं, तो अभी एग्जाम होंगे और तो हमारा जिला यही है तो यहाँ पर काम पड़ता रहेगा, तो हम आते जाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ टेबल लाने के। तो ये वाली टेबल हम लेके आ गए, तो ईश्वर आ चुका है, अब हम सारा सामान इसके अंदर डालेंगे और सीधा रवाना हो जाएंगे बाड़मेर। तो अभी हम टेबल लेके आ गए और सारा सामान अभी हम डालने वाले, चेयर बाहर निकाल रहे क्योंकि टेबल को बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए अब लेके आ रहे हैं टेबल। अब बाहर ले लिए इसको, तो दोनों टेबल गाड़ी में चढ़ चुकी है। ये जो नीचे वाली टेबल है अभी नहीं लेके आया हूँ, और ऊपर वाली जो टेबल है वो पहले मेरी थी, अभी ये पीयू की होगी और ये गांधो की होगी। सामान रेडी कर दिया सब, चेयर बाहर लेके आ चुके हैं। अभी सबसे पहले फ्रिज को बाहर निकालते हैं कि आगे रख देते हैं। फ्रिज रख चुके, अब कूलर की बारी है। मेरी जो टेबल थी वो मैंने गांधो को दे दी है और एक नई लेके आ गया हूँ, और ये जो छोटे वाली टेबल है अब ये टेबल मेरी है। भैया देखो सामान कैसे लेके आ रहे थे, मेरी सोफा भैया का भी आया, लाल भू हो गया, सारा सामान आ चुका है। मैं तो नहीं लेके जाऊँ, इतना वजन मेरे से। तो मैं आज बाहर बैठी हूँ, लास्ट के बाद जाते हैं बाड़मेर, और कॉलेज के एग्जाम है तो ऑफिस भी आएंगे, फिलहाल चलते हैं। तो सारा सामान बाहर डाल दिया, अब वेट करें ईश्वर का, जैसे आएगा तो ये सामान इस गाड़ी में डाल देंगे। क्या साइड क्यों बैठी है, गला खराब हुआ? तो ये देखो सोफिया सोच रही है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे लेके जाएंगे या पता नहीं तुझे भी लेके जाएंगे सबके। ये डबल यहीं रहेगी और ये मेरा प्रोजेक्ट
पूरा रूम खाली हो चुका है और हम लोग अभी रवाना होने वाले हैं। सभी एक बदमाश देखो, ये देखो पूरा रूम खाली यहाँ बैठे हुए। ये पीयू के मैप जिसके लिए लड़ाई करती थी पीयू, और ये गांधो के मैप ऐसे रहेंगे। यहाँ पे पता नहीं क्या क्या होता था, यहाँ पे मेरी टेबल होती थी, यहाँ पे कूलर। गांधो सबसे ज्यादा टेंशन किसकी ले रही है, इस बोर्ड की ले रही है। ये साथ में चलेगा नहीं चलेगा, चले पीयू। बाकी सभी सामान यहीं पे रहेगा, गैस टंकी वगैरह, क्योंकि हम आते जाते रहेंगे ना, अभी एग्जाम भी होंगे ना। हाँ सारा सामान यही है, स्टडी का सामान ही लिया है। और जल्दी करो, बाथरूम में सब पानी ये बंद है, सब बंद है। लाइट ऑफ कर लेता हूँ, एक गेट बंद कर दिया। मैं मेरा बैग ले लेता हूँ, इसमें मैकबुक वगैरह सब। तो अभी मैकबुक की चैन खुली थी, तो अभी मेरा बैग वापस चेक करिए सही से। आ जा गांधो, मैं रूम की लाइट बंद कर देता हूँ। ये लो बंद हो गई, गांधो गेट बंद कर रही है। तो गेट बंद हो चुका है, तो अभी 7:24 हुए, 3 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे में बाड़मेर पहुँच जाएंगे। पीयू दिख ही नहीं रही, देखिए थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा यार। पानी बोतल दो, 5 पानी बोतल दे दो। चार पानी बोतल हो गई, पानी की बोतल ले लिए, और 4 भिक्खाजी नमकीन दे दो। पानी बोतल और कुछ खाने के लिए ले लिया, अब ते वापस गाड़ी में। चलो ठीक है, तो 8:43 हुए, लगभग 15-20 किलोमीटर दूरी तय की है। तो अभी हम इस होटल रुके कुछ खाने के लिए, बीच रास्ते में पकड़ रख। तो ईश्वर पानी लेके आ गया, गर्म पानी लिया मेरे लिए, दोनों ठंडा गर्म। चलो ठीक है, एक ठंडा पानी एक गर्म पानी, ठीक है। तो अभी 10 चिप्स ले लिए, ईश्वर पेमेंट कर दे, थैंक यू भैया। तो थोड़ी बहुत चिप्स लिए खाने के लिए, और सुबह क्या हुआ तेरे को, क्या प्रॉब्लम तेरे लिए नहीं है, बोले चिप्स। तो अभी सोफिया को पानी पिला रहे हैं, रुक जा बेटा, कोई नहीं आ रहे, पानी पी। तो अभी 9:20 हुए और हम बीच रास्ते में पहुंच गए, इसे चाय पी रहा है। ये हमारी गाड़ी की ड्राइवर है, लगभग हम 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएंगे बाड़मेर। सुबह के पानी निकलो, तो अभी थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी रवाना हो रहे वापस। प्योर गांधो सोफिया अंदर बैठे, अब जल्दी पहुंचने वाले बाड़मेर, 15-20 मिनट का रास्ता है। गांधो बुखार ज्यादा है तेरे को, बुखार ठीक है अभी? सोफिया बदमाशी कर रहे देखो। तो अभी गांधो को बुखार आ गया है, तो ईश्वर गया अभी टेबलेट लाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी ले ले, बाद में वहाँ मिले या ना मिले। तो ईश्वर जाके आ गया, टेबलेट मिली नहीं।